ये ध्वनि इस ओर से नहीं, उस ओर से आ रही है। जज की ध्वनि दोनों ओर से आ रही है, ये कैसे हो सकता है मित्र? इसका तात्पर्य ये है, गज एक नहीं दो गज है। शोर तो उस दिशा से भी आ रहा है, दो नहीं तीन गज हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें तीन दल बनाने होंगे और प्रत्येक दल में पांच पांच लोग होंगे। हमें तीनों दिशाओं में जाना होगा क्योंकि हमें गज को पकड़ना अति आवश्यक है। एक दल उस दिशा में जाओ, दूसरा दल इस दिशा में जाए। शेष हमारे साथ आओ और कान्हा बलराम तुम भी हमारे साथ आओ। लगता है कि गज यहीं से गया। किंतु ये कैसे हो सकता है मित्र? ऐसा लग रहा है ये मार्ग किसी ने जानबूझकर बनाया है। किंतु ये गज ऐसा क्यों करेगा? हाँ मित्र, भला ये कैसे संभव है? एक गज ऐसा कैसे कर सकता है? प्रतीत हो रहा है कि गज ने ये मार्ग स्वयं ही बनाया है। जो भी हो, हमें उस गज का पीछा करना ही होगा। चलो आगे बढ़ो। मित्रों सब लोग सावधान हो जाओ, गज हमारे समीप ही है। नंद बाबा, नंद बाबा, हम अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे थे तभी गज के बनाए मार्ग हमें दिखे। नंदराज, उस ओर भी गज का बनाया मार्ग दिखा और आश्चर्य की बात तो ये है, उस मार्ग के कारण गोकुल की ओर अग्नि नहीं बढ़ पा रही है। अर्थात ये मार्ग गज ने बनाया है अग्नि को रोकने के लिए। भला एक गज ऐसा क्यों करेगा? ये सब क्या है कान्हा?